आपका स्वागत है गांगुली टेक पर, मैं हूं संदीप गांगुली और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैट्रिक्स ट्रांसपोज का प्रोग्राम कैसे बनाना है। मैट्रिक्स का मतलब होता है टू डायमेंशनल एरे। आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक मैट्रिक्स है जो कि ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले का मैट्रिक्स है, और राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है जो कि ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद का मैट्रिक्स है। जब हम लोग किसी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, जो रो की वैल्यूज होती है वो कॉलम की वैल्यू बन जाती है, और जो कॉलम्स की वैल्यू होगी वो आपकी रो की वैल्यू बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट रो पर वैल्यू क्या है 1 2 3, सेकंड रो पर क्या वैल्यू 4 5 6, थर्ड रो पर क्या है 7 8 9। जब इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म किया गया तो इससे जो मैट्रिक्स जनरेट हुई वो आपके राइट हैंड साइड पे है, और उसमें अब आप देख सकते हैं जो पहले रो की वैल्यू थी वो अब कॉलम की वैल्यू बन चुकी है। 1 2 3 जो आपने देखिए कॉलम पर आ गया, 4 5 6 भी कॉलम पर आ गया। तो यही जो है ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करने पर होता है। अब जो है हम लोग इसका प्रोग्राम बनाकर एक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोड ब्लॉक्स आईडी को ओपन करके रखा है और इसके अंदर मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिख के रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने एरे इनपुट रखा है। इसकी मदद से जो है मैं यूजर से एक एरे पर जो है जो आपका जो टू डायमेंशनल एरे होगा मैट्रिक्स होगा उस पर हम लोग इनपुट लेंगे। उसके बाद मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने एरे आउट रखा है। इसकी मदद से जो है हम लोग अपने टू डायमेंशनल एरे पर जो भी डेटा है उसको हम लोग यूजर को आउटपुट पर दिखाएंगे। उसके बाद मैंने एक तीसरा फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने एरे ट्रांसपोज रखा है। इसी फंक्शन के अंदर हम लोग वो कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका जो एरे ट्रांसपोज है इसका जो फंक्शन पैरामीटर्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने जो है सबसे पहले एक टू डायमेंशनल एरे बनाया जिसका नाम मैंने टारगेट रखा है। इस एरे के अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर वो डेटा हमारे पास होगा जो कि ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद का डेटा होगा। उसके बाद मैंने एक दूसरा टू डायमेंशनल एरे बनाया है, मैट्रिक्स बनाया जिसका नाम सोर्स है। इसमें वो डेटा मौजूद होगा जिस पर हम लोग ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स बनाए रो और कॉलम करके, और फिर आपका जो मेन फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा उसके अंदर मैंने दो जो है टू डायमेंशनल एरे बनाया है 3x3 के। आप यहां पर देख सकते हो सबसे पहले का नाम सोर्स है, दूसरे का नाम टारगेट है। सोर्स वाले जो आपका जो टू डायमेंशनल एरे होगा मैट्रिक्स होगा इसके अंदर वो डेटा मौजूद होगा जिस पे हम लोग ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जो टारगेट करके जो आपके पास टू डायमेंशनल एरे है इसके अंदर वो डेटा मौजूद होगा जो कि ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद का होगा। तो चलिए अब हम लोग अपना एरे ट्रांसपोज वाले फंक्शन के अंदर चलते हैं और इसके अंदर वो कोड लिखते हैं जिसकी मदद से ट्रांसपोज ऑपरेशन आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले आप जो है दो वेरिएबल्स बनाइए आई और जे, और ये जो वेरिएबल्स हैं इनका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का होगा। इन वेरिएबल्स का यूज हम लोग फॉर लूप में करेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक फॉर लूप बनाना है, पैरेंथेसिस लगाइए, आई इक्वल टू 0 लिखिए, आई लेस देन रो लिखिए, फिर आप सेमीकॉलन लगाइए, आई प्लस प्लस लिखिए, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाइए। फिर आपको दूसरा फॉर लूप बनाना है, जे इक्वल टू 0 सेमीकॉलन लगाइए, जे इज लेस देन कॉल लिखना है आपको, और उसके बाद फिर सेमीकॉलन, फिर आपको जे प्लस प्लस लिखना है। तो ये जो आई वाला जो वेरिएबल है ये आपके रो के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जे वाला जो आपका जो वेरिएबल है ये कॉलम्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आई और जो जे वेरिएबल है इनका हम लोग यूज इस टू डायमेंशनल एरे में इंडेक्सिंग के लिए करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको टारगेट वाला जो आपका जो मैट्रिक्स है टू डायमेंशनल एरे उसका नाम लिखना है, फिर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, इसके अंदर जो है आपको रो की वैल्यू लिखनी होती है। रो की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कर रहा है, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर आपको कॉलम की वैल्यू लिखनी होगी, कॉलम की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कर रहा है, तो यहाँ पे जे लिख दीजिए। फिर आपको इक्वल टू लगाना है, फिर आपको उस मैट्रिक्स का नाम लिखना है जिस पे आप ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि यहाँ पे सोर्स है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सोर्स लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। आमतौर पर आप फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में किसकी वैल्यू लिखते हैं, आप रो की वैल्यू लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी मैट्रिक्स पर टू डायमेंशनल एरे पर ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करते तो क्या होता है, रो की वैल्यू जो होता है वो कॉलम की वैल्यू बन जाती है। तो यहां पर अगर आप इन फॉर लूप में देखें तो कॉलम की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कर रहा है। आमतौर पर फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग किसकी वैल्यू लिखते हैं, रो की, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ पे रो की वैल्यू नहीं लिखेंगे, कॉलम की वैल्यू लिखेंगे, और कॉलम की वैल्यू कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कर रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जे लिख दिया। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, आमतौर पर हम लोग यहाँ पे कौन सा वाला जो इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं, कॉलम की लिखते हैं, कॉलम की वैल्यू कौन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कर रहा है, लेकिन हम लोग ट्रांसपोज ऑपरेशन में अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या होता है, जो कॉलम की वैल्यूज होती है वो रो की वैल्यू बन जाती है।
तो ये जो कॉलम वाला जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, यहां पर आपको क्या लिखना है, रो की वैल्यू लिखनी होगी। रो की वैल्यू कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कर रहा है, तो आप यहाँ पे आई लिख देंगे। फिर आप बाहर आइए, सेमी कॉलन लगाइए, बस आपका कंप्लीट हो गया। इतने से ही कोड से जो है आपका एरे ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब जो है हम लोग अपने मेन फंक्शन में आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे सोर्स वाले जो टू डायमेंशनल एरे है उस पर। सबसे पहले मैं प्रिंटफ लिखूंगा, यूजर को एक बार मैसेज दिखाऊंगा कि एंटर जो है सोर्स एरे डेटा। और क्योंकि हमको एरे पर इनपुट लेना है तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हम लोगों ने एरे इनपुट रखा है, उसको हम लोग कॉल करेंगे। इसके अंदर हमें तीन जो है आर्ग्यूमेंट्स पास करने। सबसे पहले हमें उस एरे का नाम लिखना है जिसपे आप इनपुट लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे सोर्स है। तो हम लोगों ने सोर्स लिख दिया। इस एरे में कितने रोज है, तीन रोज है, कॉमा लगाइए, कितने कॉलम से, तीन कॉलम है, मैंने दे दिया, सेमी कॉल लगाइए, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब आपने एरे पर इनपुट ले लिया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस एरे पर जो आपका जो सोर्स वाला एरे है इस पर आपको ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है एरे ट्रांसपोज, तो हम लोग उसे कॉल करेंगे। तो आपको एरे अंडरस्कोर ट्रांसपोज लिखना है और फिर इस जो आपका जो फंक्शन है इसमें आपको टोटल चार आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। सबसे पहले आपको उस टू डायमेंशनल एरे का नाम लिखना है जिसके अंदर आपका जो रिजल्ट वैल्यू स्टोर होगा, मतलब ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वाला जिस वैल्यू स्टोर होगा जिस एरे पर, उसका आपको नाम लिखना जो कि यहाँ पे टारगेट है, तो आप उन्होंने टारगेट लिख दिया। फिर आप कॉमा लगाइए, किस एरे पर, किस टू डायमेंशनल एरे पर आप जो है ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए जो कि यहाँ पे सोर्स है। फिर आप कॉमा लगाइए, कितने रोज है इन, आप ये जो आपका जो दो टू डायमेंशनल एरे है इनमें कितने रोज है, तीन है, कॉमा लगाइए, कितने कॉलम से, तीन है, सेमी कॉल लगाइए, कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए हम लोगों ने इनपुट ले लिया, उसके बाद हमारा एरे ट्रांसपोज ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को केवल जो है आउटपुट में जो भी डेटा आया है वो हमें यूजर को दिखाना है। तो सबसे पहले मैं प्रिंटफ लिखूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं कुछ जो है डैश लाइन बना लूंगा जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, मैंने डैश लाइन थोड़े बना लिए और फिर मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया। सबसे पहले जो हमारा जो सोर्स एरे है उसका डेटा मैं आउटपुट में दिखाऊंगा कि यूजर ने जो हम लोग को जो डेटा दिया था सोर्स एरे पर वो क्या था। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट में दिखाऊंगा यूजर को। ये करने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही है, सबसे पहले आप प्रिंटफ लिखिए, यूजर को मैसेज दीजिए कि यहाँ पे आप दीजिए सोर्स एरे डेटा इस तरीके से। उसके बाद हमें एरे का जो डेटा है वो आउटपुट में दिखाना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन बनाया। नाम क्या है उसका, आपका एरे आउट करके नाम है। इस फंक्शन के अंदर आपको तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। सबसे पहले उस एरे का नाम जिसका डेटा आप आउटपुट को दिखाना चाहते हैं जो कि यहाँ पे सोर्स है, कॉमा लगाइए, कितने रोज हैं इस एरे पर, तीन रोज है, कितने कॉलम्स हैं, तीन है, सेमी कॉल लगाइए, एंटर दबाइए। उसके बाद देखिए आपने जो सोर्स एरे का डेटा आउटपुट आपने दिखा दिया, अब बचा क्या, अब जो है आपका ये टारगेट वाला एरे बचा जिसके अंदर ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वाला डेटा मौजूद है और उसको भी आपको आउटपुट में दिखाना है। तो सेम आपको इसी फंक्शन को कॉल करना है एरे आउट को और फिर आपका जो डेटा होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। तो हम लोगों ने प्रिंटफ लिखा, यूजर को एक मैसेज दिया और लिखा टारगेट एरे डेटा, हम लोगों ने इस तरीके से मैसेज दे दिया, सेमी कॉल लगाया, एरे का डेटा आउटपुट में दिखाना है तो हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एरे आउट को कॉल करेंगे। इसमें भी हमें तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। सबसे पहले उस एरे का नाम जिसका डेटा आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं जो कि यहाँ पे टारगेट है, कितने रोज है, तीन रोज है, कितने कॉलम है, तीन कॉलम है, सेमी कॉल लगाइए, एंटर दबाइए, कंप्लीट हो गया। रिटर्न जीरो लिख दीजिए आखिर में आगे प्रोग्राम के और ये जो है आपका मेन फंक्शन के अंदर का कोड कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसको बिल्ड करना होगा, तो आप इस वाले बटन पर जाके क्लिक करिएगा। उसके बाद जो आपको ग्रीन बटन पर क्लिक करना है तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि एंटर सोर्स एरे डेटा रो जीरो, मतलब फर्स्ट रो पे जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं वो लिखिए। तो फर्स्ट रो पे आपके कितने कॉलम से, तीन कॉलम है, तो आपको तीन वैल्यूज लिखनी होंगी, तो हम लोग ने लिखा वन टू थ्री लिख दिया, एंटर दबाया। सेकंड रो पर आपके कितने कॉलम से, उस पर भी तीन ही है, तो हमको तीन वैल्यू लिखना होगा, तो हमने फोर फाइव सिक्स तीन वैल्यूज लिख दिया, फिर हम लोगों ने एंटर दबाया, फिर सेवन एट नाइन इस तरीके से लिख दिया, एंटर दबाया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। आपने जो मैट्रिक्स जो एंटर किया था टू डायमेंशनल एरे उस पर ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, रिजल्ट आपका आउटपुट में आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने सोर्स एरे का जो डेटा था जो आपने इनपुट में दिया था वो आप ये दिए थे, आप देख सकते हैं रो जीरो पर जो आपने वैल्यू दी थी वो क्या था, वन टू थ्री था, रो सेकेंड पर क्या था, फोर फाइव सिक्स था, फिर सेवन एट नाइन था। जब इस एरे पर जब आप इस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो उससे जो डेटा जो जनरेट हुआ वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट एरे डेटा में आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पहले जो रो की वैल्यूज थी वो अब कॉलम की वैल्यू बन चुकी है। तो इस तरीके से जो आपको ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।